हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर रमन। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट और आज हम बात करेंगे कि महिलाओं में खांसने या छींकने पे क्यों एकदम से यूरिन निकल जाता है, वो उसे रोक नहीं पाती हैं और कोई भी पब्लिक प्लेस है तो ये काफ़ी एम्बेरसिंग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपकी जो यूरिन की ट्यूब होती है उसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा, वो सपोर्टेड और स्टेबलाइज होती है किससे? पेल्विक फ्लोर मसल से। अब ये मांसपेशियाँ आपकी कहाँ होती हैं? ये आपकी यूरिन की ट्यूब के पास होती हैं और जो आपका एनस मतलब जो पॉटी वाला एरिया होता है उस दोनों के बीच में होती हैं, तो ये काफ़ी सपोर्ट करती हैं आपकी यूरिन की ट्यूब को। तो अगर जब आप खांसते हैं तो एकदम से आपके पेट पे प्रेशर पड़ता है और जो आपकी ये जो मांसपेशियां हैं जो नीचे हैं आपकी यूरिन की ट्यूब के नीचे, वो एकदम से ढीली पड़ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्स हो जाती हैं और यूरिन निकल जाता है उसमें से, अगर आपका पेशाब की थैली भरी हुई हो तो। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। यूजुअली ये मिलता है 40 साल से बड़ी औरतों में, लेकिन आजकल ये यंग लेडीज में भी मिलने लगा है क्योंकि उनकी भी पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रांग नहीं है। अभी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो आपकी होती है मांसपेशियां, अभी ये कमज़ोर पड़ने का इनका क्या कॉज होता है, मतलब क्या कारण होता है? सबसे पहला कारण तो ये होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ये काफ़ी लूज़ हो जाती हैं, जब आप डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी चाइल्ड बर्थ के बाद तो ये लूज़ हो जाती हैं। अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, जैसे बहुत भारी आपने सामान उठा रखा है या भारी डंबल्स वगैरह से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका ऐसा हो सकता है कि एकदम से प्रेशर पड़ने के बाद ये रिलैक्स हो सकती हैं मसल्स और एकदम से यूरिन लीक हो सकता है। और अगर आपका मोटापा ज़्यादा है, अगर आपको खांसी काफ़ी लंबे समय से है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी है, आप स्मोकिंग एल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, उसके बाद आप चाय कैफीन कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पीते हैं, तो भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मेनली होती हैं 40 साल से बड़ी लेडीज़ में। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट हम इस चीज़ से कर सकते हैं कि अपना मोटापा घटा सकते हैं। जो आप एल्कोहल स्मोकिंग करते हैं वो कम कीजिए, चाय कॉफ़ी कम पीजिए, और अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे हैं और आपको ऐसी कंडीशन है तो आप पैड लगा के रखिए ताकि आपको आपके कपड़े वगैरह गीले ना हो। और इसका ट्रीटमेंट है एक्सरसाइज। कौन सी? कीगल्स एक्सरसाइज, मीनिंग आपका जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है उसको आप टाइटन करते हो, स्ट्रेंथन करते हो। अब कीगल फ्लोर एक्सरसाइज क्या होती हैं? अब इसमें आप बैठे बैठे भी कीगल्स एक्सरसाइज अपने घर पे आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, जैसे आपको यूरिन आ रहा होता है और उसे रोकना होता है, यही बस एक कीगल्स एक्सरसाइज है। मतलब जैसे आ रहा है और आप उसे रोकते हो तो उन मांसपेशियों को एकदम से पकड़ लो ऐसे, और अगर जैसे आपको पॉटी आ रही होती है और फिर आप उसको रोकना चाहो तो उसको पकड़ना, ये भी कीगल्स एक्सरसाइज होती है। तो ये आपको करना है 15 से 20 बार करना है, और फिर दिन में ऐसे 3 बार करना है, और ये करना है 3 महीने तक। इसे हम बोलते हैं कीगल्स एक्सरसाइज। अगर कीगल्स एक्सरसाइज इफेक्टिव नहीं होती हैं, 90% लोगों में ये बहुत ही इफेक्टिव रहती है एक्सरसाइज पेल्विक फ्लोर मसल की, लेकिन अगर इफेक्टिव नहीं रहती फिर हम उन पेशेंट्स को मेडिकेशन और सर्जरी के लिए बोलते हैं। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।